फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माई 2021 फेवरेट्स। और इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी सिर्फ स्किन केयर, हेयर केयर एंड कुछ मिसलेनियस प्रोडक्ट्स जो मेरे इस साल में फेवरेट रह चुके हैं एंड मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उन्हें इस्तेमाल करना। बट देर विल बी अ लॉट ऑफ पार्ट्स, क्योंकि इस एंटायर साल में मैंने कई सारे न्यू ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्किन केयर टू मेकअप टू किचन अप्लायंसेस। तो मैं सब कुछ अलग अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो में मैं कुछ ही प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी। देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग सून, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ये वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट हैज़ टू बी दिस वन। ये है एम कैफीन का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। इस स्क्रब के बारे में मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे थे एंड दैट्स वाई आई थॉट लेट मी ट्राई दिस वन। मैंने अपने अमेजन वीडियो हॉल वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसे मैं इसी विंटर सीजन से इस्तेमाल करना मैंने स्टार्ट किया है एंड आप लोग देख सकते हैं ये पूरा यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। सो ऑलरेडी मैंने इतना इस्तेमाल कर लिया है एंड दिस इज़ सो अमेजिंग। नॉर्मल जो कॉफ़ी हम लोग घर पे DIY बनाकर कॉफ़ी बॉडी स्क्रब इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें जो ड्राइनेस होता है इसे इस्तेमाल करके वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड पानी के साथ भी इसे मिक्स नहीं करना है, जस्ट आप अपने वेट बॉडी पर इस स्क्रब को लीजिए। ड्राई ही जैसा इसका फॉर्मूला है वैसा ही लेकर आपको जस्ट अपने बॉडी को स्क्रब करना है। हाँ, थोड़ा सा इसके पार्टिकल्स हार्श है बट ये सिर्फ बॉडी के लिए ही है, नॉट एट ऑल फॉर योर फेस। तो आप अपनी बॉडी स्किन को अच्छे से स्क्रब कर लीजिए एंड देन वॉश ऑफ विथ नॉर्मल वाटर। उसके बाद देखेंगे इंस्टेंट सॉफ्टनेस फील हो गया एंड उसके साथ ये हल्का सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी छोड़ता है, जो कि DIY घर पे जो कॉफ़ी बॉडी स्क्रब हम लोग बनाते हैं उसमें ऐसा फील नहीं होता है। सो ये एक मस्ट बाय है आई वुड से। स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, स्किन को इतना सॉफ्ट बनाता है, डेड स्किन सेल प्रॉब्लम को भी दूर करता है। सो ये तो मेरे लिए एक विंटर एसेंशियल है और मैं अभी तो कोई भी दूसरा बॉडी स्क्रब ट्राई नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम हुक्ड टू दिस वन। एंड इसके साथ एक कॉम्बो में मैंने जो ट्राई किया था फ्रॉम Amazon वो है ये एम कैफीन का ही नेकेड एंड रॉ कॉफी बॉडी पॉलिशिंग ऑयल। ये एंड यू ऑल कैन ऑलरेडी सी मैंने इसे कितना हाफ से भी ज़्यादा ख़त्म ऑलरेडी कर लिया है एंड ये भी बहुत अच्छा है। हालांकि आई एम नॉट दैट मच अ कॉफ़ी लवर, इसका जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी फ्रेग्रेंस है वो मुझे डे टू डे बेसिस पर उतना अच्छा नहीं लगता है, बट इसका जो इफ़ेक्ट है दैट्स टू डाई फॉर, क्योंकि ये नॉन ऑयली एकदम नॉन ग्रीजी है, बहुत लाइट वेट है। मैं इसे नहाने के बाद इस्तेमाल करती हूँ एज अ बॉडी ऑयल, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, स्टेन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, इंस्टेंटली स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाता है। जस्ट ट्राई दिस वंस, यू आर गोना लव दिस। सो आई थिंक ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं ना, दीज आर माई फेवरेट फ्रॉम दिस एंटायर ईयर। तो इसी वजह से मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज नॉट एट ऑल अ स्किन केयर, अ मेकअप और हेयर केयर प्रोडक्ट, इट्स अ मिसलेनियस प्रोडक्ट जो किचन अप्लायंस है। तो ये है ब्लैक डायमंड 3mm हार्ड एनोडाइज्ड बेबी कढ़ाई विथ लिड एंड ये 800ml का है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब नॉन स्टिक इस्तेमाल करते हैं तो वुडन स्पून से चलाना भूल जाते हैं एंड वी यूज़ स्टेनलेस स्टील, उससे नॉन स्टिक ख़राब हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। आप इसमें स्टील के स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड लुक एट दिस, हाउ क्यूट इज़ दिस। मेरी मम्मी को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि इसमें जो डेप्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है और इसमें आप आलू फ्राई कर सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं एंड वॉट नॉट, अनियंस फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड मेरे घर में तो सभी को ये पसंद है। दिस इज़ सो क्यूट एंड यूज़फुल, सो डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। ये बहुत बहुत अफोर्डेबल है एंड बहुत यूज़फुल है। तो इसका जो परचेजिंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इतनी अफोर्डेबल रेट में आपको एक कढ़ाई मिल रहा है विच इज़ एनोडाइज्ड एंड जिससे आप स्टेनलेस स्टील स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं विथ अ लिड, सो दैट्स अ स्टील डील। ये एक अच्छा गिफ्ट ऑप्शन भी है, सो डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। नेक्स्ट एक फेस वॉश मेरा फेवरेट है फ्रॉम दिस ईयर, ये है ये ओहायो नेचुरल उपटन टैन रिमूवल फेस वॉश। ये आधा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है करेंटली। आई एम यूजिंग दिस एंड वाओ का जो माइसिलर वाटर है वो सिर्फ मैं मेकअप को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ एंड ये मैं
जनरली ही हर दिन इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे मेकअप भी रिमूव हो जाता है एंड इससे फेस इतना क्लियर होता है ना, ट्रस्ट में ये अंडररेटेड एक ब्रांड है एंड इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इस ये जो बिल्ट इन ब्रश है ना, ये फीचर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श होता है फेस पर। तो मैं क्या करती हूँ, इससे ना फेस वॉश को निकाल लेती हूँ एंड फिर उस फोम को, ये फोमिंग फेस वॉश है, उससे अपने फिंगर की मदद से अपने फेस पर मसाज करती हूँ एंड देन जस्ट आफ्टर 30 सेकेंड्स एंड ऑल मैं इसे रिमूव कर देती हूँ वाटर से। तो ये वाला बिल्ट इन ब्रश फीचर मैं इस्तेमाल नहीं करती, बट ये बहुत बहुत इफेक्टिव एक फेस वॉश है। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन। इस साल मैंने मामाअर्थ के कई सारे न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट किया है, जैसे ये चारकोल वेरिएंट, ये जो उसका चारकोल रेंज है ये मैंने ट्राई किया है। मैंने मृदुल शर्मा के वीडियो में बहुत ज़्यादा देखा है उन्हें कहते हुए इस रेंज के बारे में। सो आई ट्राइड दिस फेस वॉश, ये चारकोल फेस वॉश है, ख़त्म हो चुका है पूरा, एकदम बॉटल एम्प्टी है। ये भी बहुत अच्छा एक फेस वॉश है, बट ये मेकअप को रिमूव नहीं करेगा। डेली बेसिस पर जो इम्प्योरिटीज़ पॉल्यूशन है उसे डीप लेयर से रिमूव करते हैं, दैट्स वेरी नाइस। इफ योर स्किन इज सुपर ऑयली, ओपन पोर की प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ मैंने ये मामाअर्थ का C3 फेस मास्क भी ट्राई आउट किया है एंड लुक एट द हालत ऑफ दिस फेस मास्क। मैंने इसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है ना, जस्ट लुक एट दिस, ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए एंड फेस से जो एक्सेस ऑयल है उसे तो रिमूव करता ही है, बट माई स्किन इज़ ड्राई, स्टिल मुझे ड्राइनेस फील नहीं होता, बट फेस इतना क्लियर हो जाता है इसे इस्तेमाल करने के बाद। आई डोंट नो व्हाट्स इन इट, जस्ट ट्राई दिस वन। आजकल मैं बहुत सारे लॉरियल पेरिस के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं लॉरियल के साथ कोलैबोरेशन भी मैं कर रही हूँ आजकल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आंख बंद करके आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। आई जनरली यूज़ दीज प्रोडक्ट्स एंड आई लव यूजिंग लॉरियल पेरिस प्रोडक्ट्स, ट्रस्ट मी। उनके जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज के इस वीडियो में शेयर करूँगी ना, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ये नो हेयर कट क्रीम, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ये हेयर को ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट एंड हेल्दी बनाता है। डेली बेसिस पर, मतलब रेगुलर बेसिस पर अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, देन डेफिनेटली आपको डिफरेंस नज़र आएगा। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं। एंड रिसेंटली लॉरियल ने मुझे इसका जो एंटायर रेंज है वो अगेन सेंड किया है, तो मैं आजकल ये वाला शैम्पू एंड कंडीशनर इस्तेमाल करती हूँ इस रेंज से, ड्रीम लेंस रेंज से। ये शैम्पू एंड कंडीशनर भी बहुत अच्छा है, बट ऑयल को रिमूव करने के लिए आपको एक्सेस शैम्पू चाहिए होगा, ये ऑयल को रिमूव करने के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये आपके हेयर को काफ़ी क्लीन करता है एंड सॉफ्ट भी बनाता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी नहीं आने देता। सो ये काफ़ी अच्छा एक शैम्पू एंड कंडीशनर है, बट अगर आप शैम्पू कंडीशनर ट्राई नहीं करना चाहते देन जस्ट ट्राई द नो हेयर कट क्रीम, यू आर गोना लव दैट। ड्रीम लेंस रेंज से पहले ना मैं इस्तेमाल करती थी ये एक्सटेंसो केयर, ये भी लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस का है एक्सटेंसो केयर। तो इसका जो शैम्पू है वो मेरे बाथरूम में है, वो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसमें बहुत कम क्वांटिटी है। ये है हेयर मास्क, आप इसे एज अ हेयर मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ कंडीशनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना तब मैं इसी को ले जाती हूँ, क्योंकि इससे हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। एज अ कंडीशनर इस्तेमाल करना मैं पसंद करती हूँ, जस्ट 60 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स इनाफ होता है, ये इतना सॉफ्ट बना देता ना हेयर को। सो यू कैन ट्राई दिस वन टू। लॉरियल पेरिस के ना ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है। इसका जो एक छोटा वर्शन मैंने ट्राई किया था ना 22 ml का शायद फ्रॉम Amazon, तो वो भी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो बड़ा वाला मैंने अभी ट्राई किया है रिसेंटली, मैंने Amazon हॉल वीडियो में भी शेयर किया है, एकदम वाटरी है, ऐसा लगेगा कि आप पानी टोनर कुछ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो सुबह पता चलेगा। मैं इसे रात को इस्तेमाल करती हूँ एंड मॉर्निंग में फेस क्लियर होता है एंड सरप्राइजिंगली ये पिंपल मार्क्स को भी ईजिली रिमूव कर देता है, जैसा मेरे साथ पर्सनली हुआ है। क्योंकि जब भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ ना, मैंने 1-2 महीने से पूरा इस्तेमाल किया है एंड मेरे जो पिंपल मार्क्स थे वो बहुत जल्दी फेड आउट हो गए हैं। सो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप चाहते हैं तो इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको डेफिनेटली एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ेगा। इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली देन ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये एकदम वॉटरी है, स्किन में बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बायोलाज का जो कंडीशनर है, एक्चुअली ये सब ना हेयर ट्रीटमेंट पैक्स है, हेयर पैक्स है, ये स्मूथ प्रूफ पैक है। इसमें दो और वेरिएंट्स है, मैंने इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो शेयर किया था, यहाँ पर मैं लिंक कर दूंगी, वो भी कोलैबोरेशन में ही था बायोलाज से। बट ये जो उनके हेयर पैक्स है ना, दीज आर सो अमेजिंग, डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। एंड जो फ्रेग्रेंस है ना इनका, अगर आप कुछ फ्रेग्रेंस वाला हेयर पैक्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लॉरियल के ये जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखा है हेयर पैक्स या हेयर मास्क, उनमें ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है, एकदम माइल्ड ना के बराबर फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसमें इतना खूबसूरत फ्लावरी सा फ्रेग्रेंस है। सो आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हैं। इसके दो और वेरिएंट्स है स्पेशली फॉर योर हेयर इशू। तो ये वाला है फॉर फ्रिजी हेयर, मेरे हेयर बहुत ज्यादा फ्रिजी है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स एंड मानसून सीजन, तो मैं इसे कई दिनों से, कई महीनों से इनफैक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, बट ये बस इतना ही खत्म हुआ है। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, ऑल्दो माई हेयर इज मीडियम साइज, तो ज्यादा क्वांटिटी चाहिए भी नहीं होता, सो यू कैन ट्राई दिस वन टू। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये जो पार्ट वन मैंने शेयर किया है ऑफ माय ईयरली फेवरेट 2021 में मुझे जो जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट है, इस वीडियो में मैंने शेयर किया है कुछ प्रोडक्ट्स, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स एज वेल, जो मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।